सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं। स्वस्थ निरोगी जीवन जीने के लिए सबसे पहले टिप्स पाएं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेल्दी लाइफ टिप्स में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे तन की दुर्गंध, जिसे हम शरीर की दुर्गंध या बदबू भी कहते हैं। जब हमारे शरीर का पसीना त्वचा पे बैठे बैक्टीरिया से रिएक्ट करता है, तब जो दुर्गंध पैदा होती है उसे हम तन की दुर्गंध कहते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए जानते हैं तन की दुर्गंध दूर करने के 7 आसान उपाय। पहला उपाय, नहाते वक्त बॉडी स्क्रबर का प्रयोग करें। ये स्किन पर बैठे बैक्टीरियों को हटाता है और साथ ही डेड स्किन को भी रिमूव करता है। नहाते वक्त आप डिओड्रेंट सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैक्टीरियों को वापस आने से रोकता है और तन की दुर्गंध को दूर करता है। दूसरा उपाय, अगर आप ऐसे लोगों में से हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पसीना आता है, तो आपको रोजाना कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, खासकर गर्मियों के दिनों में। तीसरा उपाय, बिना साफ किए एक ही कपड़ा रोजाना ना पहने। हो सकता है कि आप रोज नहाते हो, लेकिन बिना साफ किए एक ही कपड़ा रोज पहनने की वजह से भी दुर्गंध आती है। चौथा उपाय, कॉटन यानी सूती कपड़ों का प्रयोग करें। ये पसीने को ना ही सिर्फ जल्दी एब्जॉर्ब करता है बल्कि जल्दी इवेपोरेट भी करता है। पांचवा, एंटी परस्पिरेंट डियो का इस्तेमाल करें। ये नॉर्मल डियो से अलग होता है। नॉर्मल डियो जहां सिर्फ कुछ समय के लिए दुर्गंध दूर करते हैं, वहीं एंटी परस्पिरेंट डियो दुर्गंध दूर करने से साथ ही ज्यादा पसीना आना भी रोकता है। छठा उपाय, तन की दुर्गंध में आप पाइन यानी देवदार सोप का इस्तेमाल करें। ये तन की दुर्गंध के लिए बेहद ही अच्छा साबुन माना जाता है। सातवां उपाय, मछली, जीरा, लहसुन और स्पाइसी फूड का इस्तेमाल कम करें। ये तन की दुर्गंध को बढ़ाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।